सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी हो चुकी है और तीन लोकसभा सीटें मुरैना, ग्वालियर और खंडवा की उन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। आपको बताएंगे कि कौन कौन से उम्मीदवार मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर उतारे गए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लगातार डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दिया है। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा में मध्य प्रदेश की इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो चुकी है और मध्य प्रदेश की बाकी सीटों पर ऐलान, मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर प्रत्याशियों के नाम भी आपको बताएंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों ने किन नामों पर नाम घोषित किए, बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बाकी बची सीटों पर भी ऐलान कर दिए हैं नाम। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर नाम घोषित किए गए हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों के और प्रवीण पाठक, पूर्व विधायक ग्वालियर से उम्मीदवार बनाए गए हैं और कांग्रेस पार्टी ने प्रवीण पाठक को ग्वालियर लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है। और आपको बता दें कि खंडवा और मुरैना सीट पर भी नामों का ऐलान कर दिया गया, जिसका लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। मुरैना से सत्यपाल सिंह को टिकट दिया गया है, ग्वालियर से प्रवीण पाठक को टिकट दिया गया, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। और लगातार इस पर नजर हमारी, आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की तीन सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और खंडवा से नरेंद्र पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है कांग्रेस पार्टी के द्वारा। बाकी बची जो तीन सीटें थी उन पर भी नाम घोषित कर दिए गए हैं। मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर नामों का ऐलान कर दिया गया है। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकवार उम्मीदवार बनाए गए, ग्वालियर से प्रवीण पाठक उम्मीदवार बनाए गए हैं, जबकि खंडवा से नरेंद्र पटेल को टिकट दिया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, तीन सीटों पर नाम का ऐलान कर दिया गया है और इन तीन सीटों पर नामों की घोषणा होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी की यहां पर क्या स्थिति रहेगी, हालांकि अब यह देखना होगा। और कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, वो भी आना शुरू हो जाएंगे अब से लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए। नामांकन की प्रक्रिया भी संपन्न हो गई है, जबकि अब खंडवा से नरेंद्र पटेल और ग्वालियर से मुरैना से कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और अपनी इन सीटों पर, लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुरैना, ग्वालियर और खंडवा सीट पर ऐलान कर दिया गया है। मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकवार, सत्यपाल सिंह सिकवार को मुरैना से भरोसा जताकर उतारा गया है और ग्वालियर से प्रवीण पाठक को उतारा गया है और खंडवा से नरेंद्र पटेल उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, इस वक्त की बड़ी खबर। और कांग्रेस पार्टी के द्वारा तीन सीटें जिसमें मुरैना, तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक उम्मीदवार बनाए गए हैं। ग्वालियर लोकसभा सीट बेहद महत्वपूर्ण, जो कि कांग्रेस पार्टी के लिए काफी समय यहां पर लगा और ग्वालियर, मुरैना और खंडवा लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का नाम घोषित कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, और लगातार इस खबर पर हम नजर बनाए हुए, डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि जो तीन लोकसभा सीटें जिस पर कि कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि सीटों पर कैंडिडेट को उतारा जाए, लेकिन अब जाकर इस पर पत्ते खोले हैं कांग्रेस पार्टी ने। ग्वालियर, मुरैना और खंडवा लोकसभा सीट पर बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था कांग्रेस पार्टी आखिर किसे यहां से उम्मीदवार बनाती है। और आपको बता दें कि ग्वालियर से प्रवीण पाठक को उम्मीदवार बनाया गया है। दरअसल इससे पहले जो चर्चा चल रही थी नाम की, भरत सिंह कुशवाहा प्रवीण पाठक के सामने होंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से,
शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। शैलेंद्र, काफी इंतजार के बाद आखिरकार जारी कर दिए गए नाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तीन नाम खंडवा, ग्वालियर और मुरैना सीट पर। देखिए बिल्कुल आशीष, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 लगातार इन नामों को बता रहा था कि इनमें से ही नाम फाइनल होने और न्यूज 18 के जो सूत्र थे उसके मोहर जो अंतिम मोहर है वो उनके नामों पर ही लगी है। देखिए सतपाल सिंह सिकरवार को पार्टी ने मुरैना से अपना प्रत्याशी बना। सतपाल सिंह सिकरवार एक बार विधायक रह चुके हैं सुमावली से, हालांकि वो बीजेपी से विधायक रहे थे 2020 में। उनके बड़े भाई है वो जो बीजेपी से कांग्रेस में आए थे और उसके बाद वो कांग्रेस में लगातार सक्रिय तरह से काम कर रहे थे और उन पर पार्टी ने भरोसा जताया। हालांकि दो तीन नामों पर लगातार चर्चा चल रही थी कि पंकज उपाध्याय या फिर सतपाल सिंह सिकरवार, क्योंकि जातिगत समीकरण साधने को लेकर बड़ी संशय की स्थिति कांग्रेस के सामने, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी एक जो है ठाकुर प्रत्याशी को मैदान में उतारा गया, लेकिन सारे समीकरणों को ध्वस्त करते हुए बीजेपी के तरह ही कांग्रेस ने भी वहां पर एक क्षत्रिय उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अगर बात ग्वालियर की करें तो प्रवीण पाठक और रामसेवक सिंह गुर्जर के बीच ये पेच पसा था कि दो में से कौन प्रत्याशी ज्यादा प्रभावी होगा। देखिए चूंकि बीजेपी ने वहां पर पहले से ही ओबीसी चेहरे यानी भारत सिंह कुशवाहा पर भरोसा जताया है, तो ऐसे में संभावना ये थी कि ओबीसी वर्सेस ओबीसी ना करा के किसी सामान्य चेहरे को टिकट दिया जाएगा। देखिए मैं बता दूं, रामसेवक बाबूजी जो है वो सांसद रह चुके हैं। अगर बात प्रवीण पाठक की बात करूं तो प्रवीण पाठक जो है वो कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे और 2018 में वह विधायक बने थे। ये बात सही है कि 2023 का वो विधानसभा चुनाव हारे थे, लेकिन एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा उस इलाके के माने जाते हैं, काफी युवा चेहरे हैं और युवा चेहरे पर एक बार जो है वो पार्टी ने दाव खेला है, चाहे वो सतपाल सिंह सिकरवार के तौर पर हो या पर वो प्रवीण पाठक के तौर पर। तीसरा नाम जो है खंडवा, खंडवा से लगातार इस बात की चर्चा चल रही थी कि अरुण यादव को पार्टी चाहती है, अरुण यादव चुनाव लड़े, लेकिन अरुण यादव पहले ये तय कर चुके थे कि वह गुना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब उन्हें गुना से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने खंडवा से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। और यही कारण है कि तमाम जो नाम है उनको लेकर लगातार मंथन चल रहा था, चाहे वह सुरेंद्र सिंह सेरा हो या फिर नरेंद्र सिंह के नाम जो नाम सामने आया उनके नाम को लेकर भी तमाम तरह के मंथन थे। अब उन जो चर्चाएं हैं उन पर अब पूरी तरीके से विराम लग गया और तीनों प्रत्याशी जो है अब वो घोषित कर दिए गए। और इस चर्चा के दौरान प्रवीण पाठक का नाम चर्चा में था ही। ग्वालियर से सुशील के पास चलेंगे। सुशील, लगभग तय था प्रवीण पाठक का नाम और अब उस पर मोहर भी लग गई है। बिल्कुल सही बात। देखिए प्रवीण पाठक के अगर बारे में बात करें तो 2018 में वो यहाँ से विधायक बने थे ग्वालियर साउथ सीट पर। उन्होंने तीन बार के एमएलए और कद्दावर मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा को हराया था। हालांकि 2023 में बहुत ही नज़दीकी मुकाबला वो करीब 2300 वोटों से हार गए थे नारायण सिंह से, लेकिन जो प्रवीण पाठक की शैली है उस शैली के चलते उनका नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि एक प्रवीण पाठक ही अकेले ऐसे दावेदार थे ग्वालियर में कि जो बुलंद तरीके से कांग्रेस के लिए दावेदार थे और कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ने की एक अच्छी परिस्थितियां बना सकते थे। हालांकि रामसेवक सिंह गुर्जर का भी नाम चल रहा था जो पहले सांसद थे, लेकिन उनके साथ कई परिस्थितियां भी थी, केश फोर नोट कांड में भी वो आरोपी बने थे उस दौरान। तो निश्चित तौर पर प्रवीण पाठक का सबसे बड़ा दावा था और कार्यकर्ताओं की भी ये मांग थी। युवा चेहरा है, 40 साल से कम उम्र के है और यही वजह है कि कांग्रेस में जिस तरह की चर्चाएं थी कि प्रवीण पाठक यहाँ से सबसे बड़े दावेदार है, तो आज टिकटों की घोषणा होने के बाद ये साफ हो गया कि भारत सिंह कुशवाहा के सामने प्रवीण पाठक की चुनाव लड़ेंगे। और जैसा कि हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने बताया कि भारत सिंह कुशवाहा के तौर पर एक ओबीसी चेहरा ग्वालियर में उतारा है, चूँकि वो भी पूर्व मंत्री रहे हैं, हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव वो भी हारे हैं। तो भारत सिंह के उम्मीदवार बनने के बाद ये तय हो गया था कि कांग्रेस जो है ग्वालियर की जो महत्वपूर्ण सीट है उससे किसी जनरल चेहरे को उतारेगी थी। ऐसे में दावेदार प्रवीण पाठक और जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ही थे, लेकिन प्रवीण पाठक सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार थे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं की भी फौज है, दूसरा चुनाव लड़ने का अनुभव है, तीसरा ये है कि वो लगातार बीजेपी के खिलाफ मुखर भी होते रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर प्रवीण पाठक के आने के बाद अब ये जो मुकाबला है ग्वालियर सीट पर ये जातिगत आंकड़ों में भी उलझेगा। दोनों ही पार्टियां भले ही विचारधारा के आधार पर लड़े, लेकिन इस चुनाव में जातिगत आधार पर भी वोटिंग होगी। तो निश्चित तौर पर अब दोनों जो प्रत्याशी है, बीजेपी के भारत सिंह हो या कांग्रेस के प्रवीण पाठक, दोनों युवा चेहरे हैं और दोनों 2023 का विधानसभा चुनाव हारे हैं। तो अब इन दोनों के बीच मुकाबला होगा और महीने भर से ज़्यादा प्रचार का समय बिता चुके हैं भारत सिंह, और आज प्रवीण पाठक का नाम की घोषणा होने के बाद अभियान शुरू होगा। तो अब धीरे धीरे चुनाव का जो अभियान है वो और तेज होगा प्रचार का, स्वाभाविक है। शैलेंद्र के पास चलते हैं। शैलेंद्र हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। शैलेंद्र, एक तरफ भारत सिंह कुशवाहा
एक जातिगत जो चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर साधने का प्रयास किया, दूसरी तरफ प्रवीण पाठक ग्वालियर लोकसभा सीट पर हैं। उतना प्रभाव यहाँ पर क्या पड़ सकता है, क्या जातिगत वाला जो फैक्टर है अभी भी काम कर रहा है उतना जितना कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या कोई भी रणनीतिकार सोच रहे हैं इस वक्त इन तीन उम्मीदवारों के नाम में अगर ढूंढा जाए तो? बिल्कुल आशीष, देखिए क्या कुछ जातिकरण समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, बड़ा लंबा मंथन चला, उसके बाद जो नाम लगातार चर्चा में थे उन्हीं पर मंथन हुआ, उन्हीं पर अंतिम मोहर लगी। क्या जातिगत समीकरण साधे गए हैं, किस तरीके से पूरा? देखिए, बड़ी ऊर्जा वहां के सभी लोगों में थी, नए नेतृत्व वहां थे, नए लोगों के अंदर ऊर्जा थी, और जिस तरह का उत्साह कांग्रेस पार्टी की टिकट को लेकर था, कहीं ना कहीं लोगों को एक लग रहा है कि पूरी श्योर शॉट की कांग्रेस पार्टी की। तो एक मंथन करा गया, चिंतन करा गया, और सभी सामाजिक समीकरणों को साधते हुए, नौजवान टीम को साधते हुए, नौजवानों को साथ लेते हुए टिकट दिया गया। और स्पष्ट है कि आप देखेंगे कि बेहतर रिजल्ट आएंगे, बेहतर नतीजे आएंगे, क्योंकि मंथन खूब हुआ है, सभी लोगों के अंदर बेहतर ऊर्जा थी, सभी वहां पे जो प्रत्याशी बनने के योग्य लोग थे, लोगों के अंदर जितना उत्साह था, जितनी ऊर्जा थी और जितनी उनकी क्षमताएं थी, तो सभी लोग 19-20 थे, और तो सब लोगों को बिठा के मंथन किया गया। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का मैं धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने नौजवानों को पार्टी में टिकट देने का काम किया, नौजवानों को अधिकार देने का काम किया। आज ये नौजवान बड़े चेहरे चुनाव लड़ना नहीं चाह रहे, क्या इसी वजह से नौजवानों को इतना मौका मिल रहा है? बिल्कुल। एक सवाल ये भी उठता है कि कई बड़े दिग्गज नेता थे, शायद वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे इसलिए युवाओं को मौका मिला? नहीं, ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी के अंदर अगर इतना मंथन हुआ होगा तो कितने दिग्गज भी लड़ना चाहते होंगे, कितने लोग भी लड़ना चाहते, क्योंकि उत्साह है, ऊर्जा है, और लोग देख रहे हैं कि जनता उनसे सवाल पूछे कि जो गारंटियां देके गए थे गेहूं की, उस पर इन्होंने खरे नहीं उतरे। 3,000 रुपए महिलाओं को देके गए थे, उसके खरे नहीं उतरे। लाडली बहनाओं को मकान, तो जो जो इन्होंने वादे करे थे 2023 में, वो बिल्कुल पूरे नहीं हुआ। जनता के अंदर उत्साह है, जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, और आज कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है कि जो कहती है वो करती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में उत्साह के मारे। और यही एक तरीका है कि वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहेगा, युवाओं की ऊर्जा रहेगी, और इस कांग्रेस, और ये हो सकता है कि यहाँ पर एक राजनीतिक मजबूरी भी शैलेंद्र हो जाती है, क्योंकि अभी हमने देखा कि शोभा ओझा का एक पत्र आया, उससे पहले कई नेताओं ने चुनाव लड़ने से हाथ खींच लिए थे। अमित के पास चलेंगे इस वक्त, मुरैना से हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। अमित, अभी ग्राउंड पर क्या स्थिति नजर आ रही है, आखिरकार नाम घोषित कर ही दिया गया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का लंबे समय से इंतजार था, क्योंकि बीजेपी ने एक महीने पहले ही अपने उम्मीदवार का चयन कर दिया था, यानी कि बीजेपी ने सिमंगल सिंह तोमर को पहले ही घोषित कर दिया था। लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी का लोगों को लंबे समय से इंतजार था, यानी कि आज वो इंतजार खत्म हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब दोनों ही छत्री समाज से प्रत्याशी हैं, तो एक अब अन्य समाज के लिए अब वोट डालने के लिए बड़ा ही मंथन करना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने मंथन किया था, उसके बाद अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, अब इसी तरीके से वोटर भी एक तरीके से सोच करके समझ करके वोट करेंगे। लेकिन अब क्योंकि पहले सिमंगल सिंह तोमर थे बीजेपी के प्रत्याशी, और अब कांग्रेस से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं सतपाल सिंह सिकरवार, यानी कि जो 2020 में उपचुनाव हुआ था जब इन्हें बीजेपी ने निष्कासित किया था, उसके बाद में कांग्रेस का दामन थामा था सतपाल सिंह सिकरवार ने, और अब लोकसभा जो मुरैना श्योपुर लोकसभा सीट है उससे कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया है। आपको एक और चीज बताना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से जो सतीश सिकरवार जो ग्वालियर से विधायक हैं उनके ये भाई है, और ग्वालियर महापौर शोभा सिकरवार उनके, यानी कि ये उनकी भाभी हैं सतपाल सिंह सिकरवार की, तो सबसे बड़ा फायदा ये भी इनको मिलेगा क्योंकि कांग्रेस में इनका परिवार जुड़ा हुआ है। हालांकि इनके पिताजी जो गजराज सिंह सिकरवार हुआ करते थे पूर्व विधायक, वो बीजेपी में लंबे समय से टिके हुए थे, लेकिन 2020 में जिस तरीके से इन्हें बीजेपी के द्वारा निष्कासित किया गया था उसी तभी से नाराज चल रहे थे, और अब कुछ ही दिन पहले यानी कि कांग्रेस के जब राहुल गांधी की यहाँ यात्रा थी उसी दौरान कांग्रेस का दामन थामा था, और अब देखने में आ रहा है जिस तरीके से जो कांग्रेस ने सूची जारी की है तो मुरैना और श्योपुर लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है। जी बिल्कुल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीट्स हैं, और इससे पहले कई बार चर्चा ये भी हो रही थी कुछ और चेहरे भी संभव थे यहाँ पर उतारे जाने के, उन्हें भी चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन शैलेंद्र लगातार जिस बारे में जिक्र कर रहे थे वो समीकरण न सिर्फ साधा गया बल्कि उसे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के समक्ष पूरी टक्कर दे करके मैदान में डटे रहना होगा, बने रहना होगा। ग्वालियर चलते, ग्वालियर सीट की अगर बात करें सुशील, तो कई
बड़े फैक्टर्स यहां पर हैं, चाहे वो राजघराने का फैक्टर हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का फैक्टर हो, या फिर पूर्व जो भारतीय जनता पार्टी के अभी तक चुनाव प्रबंधन में लगे रहे नरेंद्र तोमर का फैक्टर हो, बहुत सारी चीजें यहां पर काम करती हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी कितना चुनौतीपूर्ण है, जो उम्मीदवार उन्होंने यहां से चुना है, क्या वो सभी परिस्थितियों पर खरा उतरते अब तक नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जो कांग्रेसों में अटकल का दौर था कि प्रवीण पाठक सबसे ज़्यादा दमदार उम्मीदवार है और लोग भी उनकी डिमांड कर रहे थे, कांग्रेस के अंदर भी लगातार उनकी मांग थी और जनता का भी जब रुख हम भापते थे तो उन जनता का भी यही कहना था कि अगर भारत सिंह कुशवाहा के सामने, बीजेपी के सामने कोई टक्कर दे सकता है, चुनाव लड़ सकता है, तो वो एकमात्र चेहरा प्रवीण पाठक। तो उसी तारतम्य में जो है प्रवीण पाठक को टिकट मिला है। और परिस्थितियों की अगर बात करें तो ग्वालियर लोकसभा सीट में जो अभी 8 विधानसभा सीटें हैं जिनमें 6 सीटें ग्वालियर की है, उसके अलावा 2 सीटें शिवपुरी जिले की, इन 8 सीटों में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और 4 सीटों पर कांग्रेस का है। यानी अगर सीटों के लिहाज से देखें, एमएलए के लिहाज से देखें, तो इस लोकसभा क्षेत्र में 4-4 एमएलए कांग्रेस और बीजेपी के पास है, यानी 50-50 की स्थिति है। और पुराना अगर रिकॉर्ड देखें तो इसके पहले जो पिछला चुनाव हुआ था अशोक सिंह मोदी लहर में 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से ग्वालियर से हारे थे, लेकिन उसके पहले के अगर 4 चुनाव अगर देखें 2007 से लेकर 2014 तक के, उन चारों चुनावों में लगातार कांग्रेस 28,000 से 30,000 वोट के आसपास अंतर से हारी थी। तो निश्चित तौर पर इस बार कांग्रेस का मजबूती का दावा यही है कि प्रवीण पाठक जैसा युवा चेहरा है और उसके अलावा 4 सीटें जो हैं लोकसभा की विधानसभा में वो कांग्रेस के पास है, तो ये बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा सबसे बड़ा जो बेनिफिट कांग्रेस को मिल सकता है, जैसा कि कांग्रेस का दावा है कि जो जनरल वोट है उसका ध्रुवीकरण अब होगा, क्योंकि ओबीसी चेहरा बीजेपी ने उतारा है भारत सिंह के तौर पर, तो निश्चित तौर पर ब्राह्मण चेहरा के रूप में प्रवीण पाठक सामने हैं, तो अब ब्राह्मण बनियों के साथ ही जो जनरल वोटर हैं उनको लेकर कांग्रेस को बड़ी उम्मीद है कि इन वोटरों के सहारे, इसके अलावा दलित और मुस्लिम जो कांग्रेस का परंपरागत वोट मानती है कांग्रेस, इसके साथ ही और भी जो ओबीसी वोटर हैं उनके सहारे कांग्रेस एक अच्छी फाइट की यहाँ उम्मीद कर रही है। और निश्चित तौर पर अब प्रवीण पाठक के आने के बाद मामला इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि भारत सिंह कुशवाहा भी अभी 2023 का विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हालांकि प्रवीण पाठक भी आ रहे हैं, और दोनों लगभग 2,500 से 2,500 वोटों के बीच इन दोनों की हार रही है। तो निश्चित तौर पर अब दोनों ही के बीच मुकाबला कड़ा होगा और अब देखना यही होगा कि जनता का रुख किस तरफ रहता है। लेकिन बीजेपी ने इस चुनाव को पूरी तरह से मोदी वर्सेस कांग्रेस बनाकर जो है अभी तक प्रचार किया, तो अब कांग्रेस का जैसे जैसे प्रचार सामने आएगा उसके बाद ये रुख सामने आएगा कि आखिरकार जनता का मूड क्या है। बिल्कुल। और खंडवा लोकसभा सीट की अगर बात करें तो भोपाल की राजनीति और दिल्ली की राजनीति के बीच खंडवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव बन जाता है। शैलेंद्र, खंडवा से जिस तरह से एक ध्रुव विरोधी पार्टियों के दो ऐसे चेहरे जो दोनों ही युवा हैं, दोनों ही अपने अपने लोगों के बीच जाकर के अभी लोगों के सामने उन बातों को रखेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या यहां पर पलड़ा बराबर का नजर आता है, या फिर सत्ता में होने या फिर अनुभव का या कुछ दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर मैं खंडवा की बात करूं तो अरुण यादव का वो इलाका है और काफी लंबे समय से उनका और उनके भाई का वहां वर्चस्व रहा है। हालांकि ये बात सही है कि एक बार खंडवा से अरुण यादव चुनाव हार चुके हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति की बात करें तो जो स्थितियां ग्वालियर में है, यानी बराबर बराबर लोकसभा क्षेत्रों की, वही कुछ स्थितियां कमोबेश आपको खंडवा में नजर आएंगी। कुल 8 विधानसभा में से 4-4 विधानसभाओं पर दोनों ही राजनीतिक दलों का कब्जा है, तो और चूंकि अरुण यादव भी वहां से आते हैं, और हालांकि अरुण यादव खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते लेकिन अपने समर्थकों को चुनाव लड़वाना चाहते थे, लेकिन अब जो टिकट मिला है और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि अरुण यादव की सहमति से ही ये टिकट मिला होगा, क्योंकि पार्टी पहले चाहती थी कि अरुण यादव जो है वो पार्टी की पहली प्राथमिकता थे, लेकिन जब उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो नरेंद्र पटेल को वहां पर प्रत्याशी बनाया गया है। तो ऐसे में जो स्थितियां मुरैना में रहने वाली है कमोबेश वही स्थितियां जो है वो खंडवा में रहने वाली है, और अरुण यादव और उनके छोटे भाई जो मध्यप्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री भी रहे हैं सचिन यादव, इसके अलावा अगर बात करें सुरेंद्र सिंह सेरा, तो तमाम जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो उस इलाके से आते हैं, तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के लिए, वहां कांग्रेस जो है वो बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती देती फिलहाल नजर आएगी। जी स्वाभाविक है। और ग्वालियर सीट पर अगर जो चर्चा भी हमारे सहयोगी कर रहे थे, वैसा सा ही कुछ मुरैना में भी अगर हाल बनता है तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती होगी और कांग्रेस पार्टी के लिए, चूंकि समय बहुत लगा नाम तय करने में भी, और चूंकि मुरैना एक ऐसी सीट है जहां पर कि एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन सत्यपाल सिंह सिकरवार नीटू
कितना प्रभावित करेंगे अमित, क्योंकि अभी ग्राउंड पर उतनी तैयारी उनकी नहीं है और एकदम अंत समय में उन्हें टिकट दिया गया है, तो तैयारी कैसी चल रही है और ये टिकट उनको मिलना चुनौती ज्यादा उनके लिए दिखाई दे रहा है या मौका? देखिए, चुनौती तो नहीं कह सकती है क्योंकि सतपाल सिंह सिकरवार पिछले लंबे समय से एक साल से प्रयास कर रहे थे और कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे थे, लेकिन सदस्यता उन्होंने जो राहुल गांधी की यात्रा इसी दौरान ली थी। अब जिस तरीके से जो बीजेपी का कब्जा रहा है पिछले तीन चुनावों से देखा जा रहा है कि बीजेपी के खाते में ये सीट रही है, क्योंकि पहले नरेंद्र सिंह तोमर थे 2009 में, उसके बाद 2014 में जो अरुण मिश्रा हुआ करते थे सांसद, उसके बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिर से यानी अब प्रेजेंट में विधानसभा अध्यक्ष है, तो एक तरीके से कहा जा सकता है कांग्रेस इसको छोड़ के बीजेपी का कब्जा रहा है। लेकिन इस बार जो कड़ी टक्कर होने वाली है, क्योंकि लंबे समय से ही मंथन भी चल रहा था, तो सतपाल सिंह सिकरवार और पंकज उपाध्याय के नाम पर मंथन चल रहा था, यही वजह है कि अब कांग्रेस ने अपना जो अंतिम जो दाव था वो खेल लिया है और वो जिस तरीके से जो सतपाल सिंह सिकरवार को मैदान में उतारा है, तो कहीं ना कहीं अब देखने में उनको मिलेगा कि एक तरीके से रोचक चुनाव होगा और लोगों की भी जो उम्मीदें थी और जो इंतजार था वो भी। मैं अमित आपके पास आता हूँ। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत है सर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। कांग्रेस पार्टी ने अंततो गत्वा इन तीन सीटों पर भी नाम जारी कर ही दिया, जिसमें कि मुरैना से सत्यपाल सिंह सिकरवार को नीटू को उम्मीदवार बनाया, ग्वालियर से प्रवीण पाठक मैदान में उतारे गए हैं और नरेंद्र पटेल को खंडवा सीट से उम्मीदवार बनाया गया। तीनों ही युवा चेहरे हैं और तीनों ही अपने आप को साबित करने के लिए मैदान में उतरेंगे। समय हालांकि अपेक्षाकृत कम मिला है, आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अभी कुछ संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही थी और तमाम राज्यों के अंदर या तमाम सीटों के अंदर कांग्रेस पार्टी समझ लीजिए सीट अनाउंस करने में या सीट शेयरिंग करने में या यूं कहें कि गठबंधन के मामले में बहुत पिछड़ती हुई जा रही थी, और उसके बाद में विशेषकर अगर हम मध्य प्रदेश के ये जो इन तीन सीटों की बात करें जिसको कहा जाता है कि भाई चंबल क्षेत्रीय माना जाता है, और या यूं कहें कि बुंदेलखंड के जो तीन महत्वपूर्ण सीटें हैं इनके अंदर कांग्रेस जिस तरीके से पिछड़ती हुई दिख रही थी, आज जिस तरीके से कांग्रेस ने मान लीजिए अगर मुरैना से सत्यपाल सिंह जी को अगर प्रत्याशी बनाया तो निश्चित रूप से देखिए प्रत्याशी बहुत मजबूत है, लेकिन उनको ये चीज भी आपको देखनी पड़ेगी कि आपको बैकअप कैसा मिल रहा है। एक तरफ कांग्रेस है जो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे रही है और उसके बाद में स्थिति ऐसी हो रही है कि यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान रखे, यानी कि उनको केंद्र की तरफ से या उनको लोकल इकाई की तरफ से कोई बहुत ज्यादा बैकअप या बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कार्य कर रही है कि वो अपने चुनाव को जो पन्ना प्रमुख है, पन्ना प्रमुख से लेकर के जिला इकाई और जिला इकाई से लेकर के प्रदेश इकाई और उसके साहब आपके पास लौटता हूं। अमित जायसवाल हमारे सहयोगी खंडवा से जुड़ गए हमारे साथ। अमित, काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार नरेंद्र पटेल को मौका दिया गया, ग्राउंड पर कितनी तैयारी, हालांकि नरेंद्र पटेल का नाम अनाउंस करने में काफी समय लग गया। जी बिल्कुल आशीष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि खंडवा से नरेंद्र पटेल का नाम घोषित करने में कांग्रेस को काफी वक्त लग गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने वर्तमान सांसद हैं खंडवा के ज्ञानेश्वर पाटिल, उन्हें 2 मार्च को ही अपना प्रत्याशी बना दिया था, यानी कि 1 महीने बाद आज कांग्रेस ने घोषणा की है और नरेंद्र पटेल का नाम सामने आया है। काफी जद्दोजहद इस सीट को लेकर थी, अरुण यादव का नाम पहले चल रहा था, उसके बाद सुनीता सकरगाय का नाम भी सामने आया और अन्य नाम भी यहां चर्चाओं में थे जो पिछला चुनाव लड़े थे, उपचुनाव लड़े थे, राजनारायण सिंह उनका नाम भी था, लेकिन अब जबकि नरेंद्र पटेल का नाम आया है, उन्होंने बड़वाह विधानसभा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा था और 5,000 से भी कम वोट से हारे थे। इस सीट पर गुर्जर वोट भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और इसी वर्ग से कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का चयन किया है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि जो कम समय मिला है उन्हें उसका वो कितना फायदा उठाते हैं और जनता तक कितना पहुंच पाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए खंडवा की जो सीट है वो गढ़ बनी हुई है और लगातार यहां से जीत हासिल करते हुए आ रही है, तो ये बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने होगी कि जितनी देरी की है क्या आप इस कम समय में इस पूरे क्षेत्र में नरेंद्र पटेल पहुंच पाएंगे, कांग्रेस का संगठन कितना काम कर पाएगा और नरेंद्र पटेल के नाम को लेकर जो अब सामने आया है तो कितना इसको लेकर कांग्रेसी खुद इसे पचा पाते हैं या इस नाम पर कितनी सहमति जता पाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल आशीष। राम पांडे हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए हैं, डॉक्टर राम पांडे उनसे बात करेंगे। सर बहुत स्वागत है न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपका। थोड़ा समय जरूर लगा, क्या इसे कहा जा सकता है कि देर आए दुरुस्त आए?
नहीं, ये जानकर किया गया है और अच्छा हुआ। हाँ। आप देखिए ग्वालियर मुरैना में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों प्रत्याशी हाँ। करीब एक महीने पहले डिक्लेयर कर दिए थे। अब उन दोनों प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी बदलना चाहती है, मुरैना और ग्वालियर दोनों एक महीने से प्रचार कर रहे हैं, उन्हें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, भारतीय जनता पार्टी के नेता रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, जनता रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। और दोनों बदले जाएंगे नहीं तो एक तो कम से कम इनमें बदलना तय है। दूसरा कारण, ग्वालियर वाले को सिंधिया जी पसंद नहीं कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए क्या होगा। मुरैना वाले को नरेंद्र तोमर जी ने टिकट जरूर दिया है, लेकिन वो नहीं चाहते कि मुरैना से कोई दूसरा सांसद बने, वहां से मैं बनूंगा या मेरा बेटा बनेगा, तो नरेंद्र तोमर भी चाहते हैं कि मुरैना सीट हार जाए। अब मैं बात करता हूं हमारे प्रत्याशियों की, जो मुरैना से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, उनके पिताजी विधायक रह चुके हैं, वो स्वयं जिला पंचायत उपाध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी जो भाभी हैं वो ग्वालियर की महापौर हैं, तो एक उनका जो युवा पूरा परिवार, पूरा परिवार यहाँ पर पॉलिटिक्स वो करता ही रहा है। यादव भारतीय जनता पार्टी में भी रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का भी समर्थन उनके परिवार को पूरा मिलेगा। अब मैं ग्वालियर की बात करता हूँ। हाँ। प्रवीण पाठक जी को मात्र 2000 वोटों से आखिरी समय में भारतीय जनता पार्टी ने हरवाया। उनके क्षेत्र में 10 बजे तक वोटिंग होती रही, वो कहते रहे, बेईमानी होती रही, पूर्व विधायक रहे हैं और उनका ग्वालियर में एक उनको लोग पसंद कर रहे हैं। मुरैना ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी 2-2 लाख से जीतने जा रही है। खंडवा हाँ। की बात करें तो जो हमारे प्रत्याशी है पटेल साहब, उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष से शुरुआत की और ब्लॉक अध्यक्ष वाला हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जाता है। हाँ। जी आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष से शुरुआत की है। हाँ। खंडवा के सांसद ज्ञानेश्वर पटेल निष्क्रिय हैं, जब से सांसद बने हैं पता नहीं है। ग्वालियर के सांसद का नाम मैं आपसे पूछूंगा तो शायद आपके चैनल पर जो जितने लोग हैं शायद वो भी नाम ना बता पाए। हाँ। ग्वालियर के सांसद इतने ज्यादा निष्क्रिय रहे, तो भारतीय जनता पार्टी के तीनों जगह सांसद थे, तीनों जगह निष्क्रिय थे, और बाकी बची बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी है। तो मैं मानता हूँ कि अच्छे कैंडिडेट थे, अच्छे जीतू पटवारी कुछ कह रहे थे, पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और परिणाम अभूतपूर्व अद्भुत अकल्पनीय पॉजिटिव कांग्रेस के पक्ष में। हमने SC ST OBC को 75% से ज्यादा सीटें दी है और 50 साल से नीचे वालों को 80% टिकट दी है। तो ये मैसेज है जो मैंने पहले दिन बयान दिया था कि हम नए और युवाओं को महत्व देंगे, वो स्पष्ट हुआ। हमारी सोच थी कि ST SC OBC का ध्यान रखा जाएगा, वो भी किया। खासतौर से कई कांग्रेस के बीजेपी जा रहे हैं, कितना पार्टी के भारतीय जनता पार्टी ये बार बार धुनुमा बनाने में लगी है कि बीजेपी में कांग्रेस के लोग आ रहे हैं, हजारों की संख्या बताते हैं, अलग अलग संख्याएं बताते हैं, 1 लाख लोग ज्वाइन करेंगे, विश्व रिकॉर्ड बनेगा, ऐसा झूठ बोलते हैं। ये झूठ में नंबर 1 विश्व रिकॉर्ड अगर कोई बने तो वो बीजेपी को ही मिलना चाहिए, ये बीजेपी को ही मिलना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हमने गिनती की बीजेपी के सोशल मीडिया अकाउंट पे, जितना गिनती हुई उसमें 350 लोगों से ऊपर नाम नहीं आते हैं, उसको फिनोमा हजारों में बताया जा रहा है। जिस तरीके से जो लोग गए, मैं बार बार कहता था, जो रेत माफिया है, जो खनिज माफिया है, जो क्रेशर माफिया है, जो परिवहन माफिया है, जो छोटे मोटे सट्टे जुए इस तरह के काम करते हैं, जो सरकार पे के दबाव से भयभीत होते हैं, ऐसे लोग बीजेपी को मुबारक। ये लोग ना हमारा भला कर सकते हैं ना बीजेपी का भला कर सकते हैं। जहाँ तक प्रश्न है, ईमानदार कार्यकर्ता एक भी जाता है दर्द होता है, उसको रोकने का भरचक हम प्रयास भी करते हैं, बात भी करते हैं, विचार भी करते हैं और संवाद भी करते हैं। तो ये लोकल स्तर पर जो व्यवस्था है, विपक्ष सक्सेना को 8 बार टिकट दिया, 9 बार कांग्रेस पार्टी ने, 7 बार विधायक बने, आज वो आर्थिक संपन्न जहाँ थे वहाँ से कहाँ चले गए, उसके बाद इस तरह की बातें करना उनको शोभा नहीं। रामलाल मालवीय के बारे में क्या कहते हैं, 3 बार टिकट दिया उनको, तो रामलाल मालवीय भले आदमी है, अच्छा आदमी है, अगर वो उन्होंने ये निर्णय आप बता रहे मुझे लिया हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि दिग्विजय सिंह साहब से उनको लेकर बात करें। ठीक है, तो देखिए खासतौर से यही कह रहा है कि
और बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। बीजेपी से शिवम शुक्ला जी भी जुड़ गए। शिवम जी बहुत स्वागत है आपका। अभी हम बात कर रहे थे राम पांडे जी से, तो पंडित जी का ये कहना था कि अभी जो कैंडिडेट अभी जो सिटिंग सांसद हैं चाहे ग्वालियर के, तो बहुत से लोगों को तो शायद नाम भी ना पता हो, विवेक नारायण जी के बारे में वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन जो चेहरे यहां से उतारे गए हैं उनके बारे में वो ये बात कर रहे थे, उनके पिताजी भी यहां से सांसद थे, उनकी भाभी भी और परिवार के बहुत सारे लोग वहां पर एक्टिव हैं, बीजेपी का तो ऐसा कुछ है नहीं यहां पर। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज स्पष्ट हो गया है ग्वालियर चंबल में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के ऊपर निर्भर है, एक परिवार के ऊपर निर्भर है। यह जो सिकरवार जी जिनको टिकट दिया गया है, यह स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। तत्कालीन परिस्थितियों वश यह कांग्रेस पार्टी में गए और कांग्रेस में क्या गए उसके पश्चात उनकी राजनीति की चाबी ऐसी खुली कि विधायक भी वही बन रहे हैं, महापौर उनकी पत्नी लड़ रही है, ये जो सांसदी की बारी आई तो उनके भाई को टिकट दिया जा रहा है। यह तो अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि आज कांग्रेस के भीतर किस स्तर तक कार्यकर्ताओं का अभाव है कि एक ही परिवार में टिकट लगातार दिए जा रहे हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, वो उमंग सिंगार जी जो विगत कई दिनों से चुनाव प्रचार को छोड़ करके कोप भवन में दिल्ली जाकर के बैठे हुए थे, उन्होंने अंततः अपनी मांगे मनवा ली है और उनके ही उनकी छाप इस सूची पर देखी जा रही है। तीनों टिकट, चाहे ग्वालियर से प्रवीण पाठक का हो अथवा पटेल जी का खंडवा से हो या फिर यहां से नीटू सिकरवार का हो मुरैना से, तीनों ही टिकट उमंग सिंगार की मंशानुरूप दिए गए हैं। हाँ। उन्होंने जीतू पटवारी को उनकी हैसियत बता दी है कि जीतू पटवारी अभी राजनीति में कितने अपरिपक्व है। जीतू पटवारी जहां पंकज उपाध्याय के लिए पैरवी कर रहे, शिवसेवक गुर्जर के लिए कर रहे थे, वही टिकट उमंग सिंगार ने अपने हिसाब से बंटवा दिए। आखिरकार अस्त और पस्त कांग्रेस को तीन हारने वाले चेहरे वहां मिल गए हैं कि कौन उनकी पराजय का प्रतिनिधित्व उन क्षेत्रों में करेंगे। जनता चूंकि उत्साह के साथ अपना मनोभाव पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि मध्य प्रदेश की एक भी सीट को बाहर नहीं जाने देना है। प्रधानमंत्री जी के संकल्पों की सिद्धि के लिए 29 की 29 लोकसभा सीटें इस बार मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी जी को समर्पित करने जा रही है। हाँ। और जनता चाहती है कि जो विकासवादी और राष्ट्रवादी राजनीति का पर्याय हमने स्थापित किया है देश और प्रदेश में, उसको हम लगातार कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ाएं। और कांग्रेस के इन प्रत्याशियों के पास ये राम पांडे जी तो कुछ और ही कहानी बता रहे थे। राम पांडे जी ये कह रहे थे, राम पांडे जी आवाज अगर आपको मिल पा रही हो, वो आपने क्या बताया था अभी कि नरेंद्र तोमर खुश नहीं है, ज्योतिरादित्य सिंधिया खुश नहीं है, वो उस बात को अगर आप बोलेंगे तो शायद मुझे लगता है शिवम उसको ठीक तरीके से समझ पाएंगे और उसका जवाब अब उनसे लिया जाएगा क्योंकि उस समय हमारे साथ जुड़े नहीं पाए थे। देखिए, ग्वालियर चंबल में कांग्रेस की ओर से टिकट सिंधिया जी बांटते थे, बीजेपी में चले गए वो। अब बीजेपी में उनकी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है, ना ग्वालियर टिकट पर उनकी सुनी गई ना मुरैना टिकट पर सुनी गई, तो सिंधिया जी छोड़कर गए थे कांग्रेस के, मेरा अपमान हो रहा है। हाँ। अब वहां घोर अपमान हो रहा है भारतीय जनता पार्टी में, तो सिंधिया जी ग्वालियर मुरैना के टिकट से बिल्कुल खुश नहीं है, ये एक बात मैं बता रहा हूं। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि अभी मैं पिछले एक महीने से ये सुन रहा था कांग्रेस के लोग छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस के लोग छोड़कर जा रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि ये तो बीजेपी में से आए हुए को टिकट दे दिया, तो ये अपने झूठ को स्वयं साबित कर रहे हैं। अभी तक ये क्या कहते थे कि बीजेपी से कांग्रेस में कोई नहीं जा रहा, नरेंद्र तोमर को लेकर भी आपने कहा था कि वो चाहते हैं कि उनका बेटा चुनाव लड़े, कांग्रेस ने टिकट दे दिया, नरेंद्र तोमर भी चाहते हैं अपना उनका बेटा चुनाव लड़े, आप कह रहे थे उसके बारे में भी बता रहे थे कुछ जी, नरेंद्र तोमर अपने बेटे को चुनाव लड़वाना चाहते थे मुरैना से, आप बता रहे थे जी। और उनकी सीडी आ गई थी जो 10,000 करोड़ के, वो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, कनाडा से उनका बेटा लेन देन की बात कर रहा था। हाँ। वो ईडी की जांच नहीं हुई, उसी बेटे को वो चाहते थे कि मुरैना से टिकट मिल जाए, लेकिन अब वो सीडी आ गई, मीडिया में आ गई, और वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार के उस मामले की जांच नहीं हुई, नहीं तो 29 में से 0 सीट पर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी रह जाती। आज भी यदि आप लोग उस सीडी को चला दें तो 29 में से एक भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिलेगी। अभी भी मैं आपसे कह रहा हूं, अभी भी चाहे तो आप चला सकते हैं। तो सीडी के कारण उनका जो था टिकट कट गया, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चला रही सीडी को, प्रत्याशी को दे दिया, हारे हुए प्रत्याशी को दे दिया। शिवमंगल तोमर हार चुके हैं, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर वहां से अपनी सीट खाली नहीं करना चाहते हैं। हाँ। वो चाहते हैं वहां से सांसद मैं रहूंगा या मेरा बेटा रहेगा। हाँ। तो आज मुरैना में ये हालत है कि भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि मुरैना का टिकट बीजेपी का बदल दिया जाए। हाँ। ग्वालियर में भी लगभग यही हालत है, दोनों प्रत्याशी एक महीने से जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिवम शुक्ला उनका विरोध कर रहे हैं। शिवम, ये परिवारवाद वाले आरोप तो कांग्रेस पर लगाया करते थे और ये तो बीजेपी की यूएसपी हुआ करती थी, कांग्रेस वालों ने कब से ये स्ट्रेटजी अपना ली?
देखिए मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे देता हूँ। सबसे पहले राम पांडे जी ने कहा कांग्रेस में सिंधिया जी उस क्षेत्र के टिकटों का निर्धारण करते थे। स्वाभाविक तौर पर भारतीय जनता पार्टी ठेके पर नहीं चलती है कि किसी नेता को क्षेत्रों का ठेका दे दिया जाए। सामूहिक नेतृत्व है, सिंधिया जी की भी राय ली गई, तमाम अन्य नेताओं की राय ली गई और उसके पश्चात केंद्रीय नेतृत्व जो सीईसी पार्टी की है उसने निर्णय लिया टिकटों का और पूरे कार्यकर्ता नेता जो भी है वह पूरी मजबूती के साथ उन निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लगातार सिंधिया जी चाहे वह ग्वालियर के प्रत्याशी हो, मुरैना के प्रत्याशी हो, उनके लिए जनसभाएं कर रहे हैं, उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी और कमल के निशान के लिए वोट मांगने का काम कर रहे हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की स्थिति नहीं है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, हर व्यक्ति की अपनी आकांक्षा होती है, स्वाभाविक तौर पर एक पिता के अंदर कामना होती है कि उसके पुत्र को अवसर मिले राजनीति में, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी परिवारों के हिसाब से नहीं चलती है, यहां पर नेतृत्व का निर्णय लिया जाता है प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए। सबसे पहले राष्ट्र की भावना के साथ हम आगे काम करते हैं, उसके पश्चात पार्टी आती है और तत्पश्चात व्यक्ति स्वयं अथवा अपने परिवारजनों के बारे में सोचता है। तो तोमर जी हो या कोई अन्य नेता हो, सभी के लिए पार्टी के क्या हित है वह प्राथमिकता होती है, वरीयता होती है और उसी के अनुरूप वह अपनी मांग को पार्टी नेतृत्व के सामने रखते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी न गुटों के आधार पर निर्णय लेती, न ठेके पर निर्णय लेती, न परिवारों के हिसाब से निर्णय लेती। यहां पर निर्णय लेने की एकमात्र योग्यता है कि जो पार्टी के हित में होगा, जो राष्ट्र के हित में होगा, जो स्थानीय समीकरणों में वह सीट हमें जीतने के लिए आसानी होगी, हम उस हिसाब से निर्णय लेते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता को यहां पर उसकी उपयोगिता के अनुरूप दायित्व बदले जाने की संभावना है। लगातार इसी दिश के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी सीट पर अगर निर्णय लेती है तो पूरे विचार और मंथन के पश्चात लेती है, यह केंद्रीय नेतृत्व का विवेकाधिकार है। अगर उन्होंने कोई निर्णय लिया है तो पूरे सोच विचार और मंथन के बाद लिया होगा, तो ऐसे भी इस प्रकार की किसी भी गुंजाइश पर बात करना सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से काल्पनिक होगा। वर्तमान परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी के 29 के 29 प्रत्याशी चुनाव कैंपेन में बहुत आगे निकल चुके हैं, उन्होंने मजबूती के साथ अपने क्षेत्रों में व्यापक जनसंपर्क सघन तरीके से अभियान चलाया है और हम देखेंगे 29 सीटें न सिर्फ हम जीतेंगे बल्कि जीत का रिकॉर्ड इस बार स्थापित करने जा रहे हैं। चलिए बहुत अग्रिम बधाई राम पांडे जी, आपको भी, शिवम शुक्ला जी आपको भी, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं दोनों ही पार्टियां, बहुत बहुत शुक्रिया। निरंजन पोद्दार जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो अब उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं उनमें आगे क्या उनके लिए चुनौतियां होंगी।